हे, इधर ध्यान दो। ओके। मुझे सबसे स्वादिष्ट केक चाहिए। वाओ! कूल। मैं सबसे अच्छा केक बनाऊंगा। मेरी प्यारी पोती के लिए कुछ भी। आसान, मैं एक शेफ हूँ। स्वादिष्ट क्रीम के बिना किस तरह का केक? ध्यान से एक और केक रखा, और क्रीम, और एक और केक, और एक और डाल दिया। मैं कुछ दिलचस्प करूंगी। यह अच्छा है अपनी प्रिय पोती के लिए दिल के आकार का केक। मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी। चलो एक किटकैट और कुछ क्रीम लेते हैं। यह बढ़िया दिख रहा है। और ऊपर से मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। हाँ बस, यह अच्छा दिख रहा है। मार्गो इसे पसंद करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा दिखना चाहिए। इसे आधे में काटे, दूसरे आधे को ऊपर से रखे, बीच में काट ले और इसे पलट दे। रंगीन क्रीम केक को इंद्रधनुष की तरह बना देगी। मैं क्रीम को थोड़ा मिला दूंगी और सुंदर फ्लफी बादल बनाऊंगी। बहुत सुंदर। यस! अब मैं इस पर सुंदर आंखें और एक मुंह भी बनाऊंगी। एक असली मास्टरपीस को ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई मौका नहीं है। केक को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जब पहाड़ केक जैसा दिख भी नहीं रहा है, भयानक। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मेरा केक भी खूबसूरत दिखेगा। पिघली हुई रंगीन चॉकलेट। हाँ चलो, और यह चमकीली कैंडी। लड़कियों को रंगीन और चमकीली चीज काफी पसंद होते हैं। इसे धीरे से उठाया। वाह, यह सुंदर दिख रहा है। वाह, मेरा केक तो जरूर जीतेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा केक अभी भी बेहतर है। वाह, कितना सुंदर और चमकीला केक। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। Awesome! कितना स्वादिष्ट है। मैं दादी का केक ट्राई करती हूँ। मेरा फेवरेट कैंडी और चॉकलेट। बहुत बढ़िया। यह किस तरह का अजीब केक है। खैर, मैं ट्राई करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। तो शेफ के द्वारा बनाया गया केक जीतता है। मैंने तुमसे कहा था मैं जीतूंगी। आओ देखे कि मार्शमेलो के साथ सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट कौन बनाता है। हॉट चॉकलेट मुझे भी यह पसंद है। यह आसान है, मैं करूंगी। चलो खैर, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट के लिए मेरा सीक्रेट यह है कि मैं इससे मार्गो की फेवरेट चॉकलेट डालूंगी। मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और फिर इसे मिलाकर मग में डालूंगी जो मेरी पोती ने मुझे दिया था। देखो कितना सुंदर है, मेरे फोटो के साथ। ऐसा क्या खास है इस मग में? तुम कुछ नहीं समझती। अब मैं चक्कर देखूंगी कि कैसा बना है। स्वादिष्ट, हमेशा की तरह। क्या तुम्हें चाहिए? खैर तुम्हारी मर्जी। असली हॉट चॉकलेट को ऐसे ग्लास से पीना चाहिए, मग से नहीं। मैं हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को विस्क करने और एक सुंदर फ्लफी हैट बनाने और मार्शमेलो के साथ सजाने की जरूरत है। हॉट चॉकलेट ऐसा दिखना चाहिए। इसे अपने हाथों से मत छुओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्रीम की एक कैन, मुझे इसकी जरूरत होगी। कितना स्वादिष्ट है। मुझे इसे ज्यादा डालना होगा और ऊपर से मार्शमेलो। बढ़िया, और कैंडी भी। थोड़ा ओरियो और चॉकलेट सॉस। वाह, और कुकी स्टिक। ऐसा जरूर किसी ने कभी नहीं किया होगा। वाह, मैं पहले इस हॉट चॉकलेट को ट्राई करूंगी। ऊपर कितने मार्शमेलो और कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट है, रुकना असंभव है। मैंने ये मग दादी को दिया था। हाँ, उनका हॉट चॉक बस ऐसे ही। मुझे इस ग्लास के लिए एक स्ट्रॉ चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा सोचना होगा। और इस बार एंडी जीतता है। ग्रेट। ओ, जब मैं छोटी थी तो काफी जगल किया करती थी। इस बार मुझे चिप्स चाहिए। और उन्हें कैसे पकाना है, मैं केवल उन्हें खाना जानता हूँ। इस बार तुम्हारी यह प्रोफेशनल ट्रिक नहीं चलेगी। मैं तुम पर नजर रखूंगी, समझे तुम? ओके। और इसके साथ क्या करना है? यह आसान है। देखो, हम आलू लेते हैं, उन्हें इस तरह छीलते हैं।
फिर उन्हें इस तरह से काटते हैं और स्टोव चालू करते हैं, तेल डालते हैं और आलू डालते हैं। बस इतना ही हो गया। मैं समझ गया। खैर रुको आलू, चलो अब इसमें थोड़ा तेल डाले। इंतजार करने का समय नहीं है, मैं स्टोव को तुरंत तेज कर देता हूँ। ढक्कन मेरे सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, मैं आलू डाल रहा हूँ, ध्यान से। उफ, ऐसा लगता है जैसे ये एक बुरा आइडिया था। सावधान एंडी। यह मेरे चिप्स को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है ये अच्छा है निकला। साधारण चिप्स, मेरे चिप्स वास्तव में अलग और अच्छे होंगे। चलो टॉर्टिया लेते हैं, ध्यान से उन्हें काटते हैं और फिर तेल लेते हैं। कोई भी एक प्रोफेशनल की तरह नहीं कर सकता। अब तेल को थोड़ा गर्म करें और कटा हुआ टॉर्टिया सुनहरा भूरा होने तक तलना है। और अब चीज के बिना किस तरह का नाचोस। चीज को पिघलाए और हमारे नाचोस के ऊपर सॉस डालें। यह अभी से ही अच्छा दिख रहा है। और नींबू के स्लाइस से इसको सजाना है और अपना काम हो गया। यह एक शानदार डिश है। तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ओ एंडी, तुम्हारे चिप्स। मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ओह, बल्कि उन्हें प्लेट में रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मार्गो को क्रस्ट पसंद आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? हाँ समझ गया, चीज पाउडर सब कुछ ठीक कर देगा। और ज्यादा डाल देता हूँ और अच्छी तरह से मिला देता हूँ, पर लगता है इसे कोई मदद नहीं मिल रही है। चलो आशा करता हूँ कि उसे यह पसंद करेगी। ओह माय, मेरे चिप्स तैयार है। थोड़ा नमक और यह सुपर स्वादिष्ट निकलेगा। बहुत बढ़िया। वाह, और ये किस तरह के कोयले हैं? ठीक है, मैं एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। कितना भयानक चीज, खाना असंभव है। और ये स्वादिष्ट लग रहे हैं। कितना स्वादिष्ट है। रुको, क्या ये सच में चिप्स है? मैं एक बाइट लूंगी। नहीं, अजीब स्वाद है। तो दादी के चिप्स सबसे अच्छे हैं। मैंने तुमसे कहा था, तुमने सुना, मैं जीत गई। ओह कैचर, यह काम आएगा। आइए देखें कि आप में से कौन स्पैगेटी को बेहतर तरीके से पकाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डियर, पर मुझे तो नूडल्स बनाना आता ही नहीं है। मैं इसके साथ क्या करूं? ठीक है, इसे सॉस पैन में डालता हूं। फिर ये इसमें अटक क्यों नहीं रहा है? इसे कैसे पकाऊं? ओह तुम जाओ अंदर, जाओ भी। अगर ऐसे करे तो उफ, बेवकूफ नूडल्स, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। चलो जाओ अंदर। तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तुम्हें स्टोव चालू करना होगा, देखो, और फिर नूडल्स को पानी में डाल दो। देखो ये आसान है, सब अंदर चला गया। तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। असली पास्ता एकदम शुरुआत से तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें आटा की जरूरत होगी। फिर इसके बीच में एक गड्ढा बनाते हैं और अब अंडे लेंगे और उसे ध्यान से तोड़ेंगे और फिर आटा गूंद लेंगे और फिर इसमें थोड़ा काला डाई मिलाएंगे और इस तरह से एक अलग सा डो मिलेगा। थोड़ी देर के लिए डो को ढक कर रखना जरूरी है। मैं टाइमर लगाकर इंतजार कर लेती हूँ। और अब डो को निकाल सकते हैं और इसे रोल करके काट लें। अब तक तो सब अच्छा दिख रहा है। वाह ये अच्छा है, ये एक असली इटालियन पास्ता तैयार हुआ है। अब इसे उबाल ले और ध्यान से प्लेट में निकाल ले। शायद ऑक्टोपस पास्ता के लिए एकदम सही रहेगा। चलो इसे फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके पास्ता के ऊपर रखें और ये तैयार हो गया। तुम क्या कर रहे हो? इतना केचप क्यों? केचप कभी भी ज्यादा नहीं होता है। यह क्या है? एंडी, तुम क्या कर रहे हो? ये स्पैगेटी बाहर नहीं आना चाहती। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल ही लूंगा। ओह, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। मैं इसे एक कांटे के साथ कोशिश करूंगा। मुझे लगता है स्पैगेटी को इस तरह नहीं दिखना चाहिए। आखिर इन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों है?
और क्या होगा अगर उन्हें रेडीमेड नूडल से बदल दे। मैं निश्चित रूप से इसे यहाँ संभाल सकता हूँ। सब कुछ इसमें डाल देता हूँ। बस सब डाल दिया और अब इसे ढककर थोड़ा इंतजार करना है। रेडीमेड नूडल्स, उफ कितना बेकार। नूडल्स तैयार है, कूल। ऑक्टोपस, क्या सच में? यह घिनौना लग रहा है, इसे कैसे खाए? यह रबर जैसा है, मैं एक टुकड़ा भी नहीं काट पा रही हूँ। छी, घिनौना। केचप के साथ स्पैगेटी स्वादिष्ट लग रहा है, मैं इसे खाऊंगी। ये स्वादिष्ट है। रुको, एक बॉक्स में नूडल्स, दिलचस्प। यह बुरा नहीं है, लेकिन आह कितना तीखा, मेरा मुंह जल रहा है। फियो, कितना फनी, मैं ड्रैगन की तरह दिख रही थी। तो एंडी जीत गया। क्या, मैं जीत गया? ये अच्छा, तो क्या आप पहले टेस्ट के लिए तैयार हैं? और हम एक सैंडविच के साथ शुरू करेंगे। मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ ताकि मैं बिल्कुल खुश हो जाऊं। यह आसान है, ध्यान रहे मैं सभी को देख रही हूं। जीत वैसे भी मेरी होगी। गुस्सा क्यों होना, एक रेसिपी के साथ आना बेहतर होगा। मैंने तय किया है कि मार्गो के लिए उसके जीवन का सबसे मीठा सैंडविच बनाने जा रही हूं। मैं इसमें न्यूटेला और सभी के फेवरेट मार्शमेलो को भी डालूंगी। लेकिन यह इतना ही नहीं है, हमें चॉकलेट बार और चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए, ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें पॉप कैंडी भी डाल दिया और शानदार चीज को दूसरे बन से ढक दिया, बहुत सुंदर। ओह मियाँ, तुम्हें मीठा कितना पसंद है। मैं अपनी बच्ची के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच पकाने जा रही हूँ और इसमें हैम और चीज जरूर होगा। पहले ब्रेड लिया, फिर उसके ऊपर से हैम डाला, फिर चीज, और अब इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगी। तारा, यहाँ तक कि मेरे जीव में भी पानी आ रहा है। आप असली सैंडविच के बारे में कुछ भी नहीं जाती हैं। टोस्टिंग का आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको ब्रेड को सेकने की जरूरत है, न कि पूरे सैंडविच को एक बार में। फिर ब्रेड में और अधिक सब्जियाँ डालने की जरूरत है। और अब यह समय है सीक्रेट सामग्री का, घोंगे। घोंगे? ओह कितना घिनौना है, आखिर इसे कौन खाएगा? आपको बस कुछ समझ नहीं आता दादी, ये तो असली डेलिकेसी है। घोंगे को थोड़ा तलकर ब्रेड पर डालने की जरूरत है, फिर ग्रेट किया हुआ ब्लू चीज का उपयोग किया जाएगा। वैसे ये दुनिया का सबसे महंगी चीज है। इतना महंगा चीज इतना बदबू क्यों करता है? ये किसी भयानक सपने की तरह है, मुझे कुछ हो रहा है। दादी गिरो मत, सब ठीक है। मैंने इस चीज पर प्रतिक्रिया ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी और यह अजीब है। खैर मेरा सैंडविच भी तैयार है। क्या खुशबू है। दादी उठो, यह मार्गो के लिए हमारे सैंडविच का स्वाद लेने का समय है। पता नहीं कि सैंडविच के अंदर क्या है। ओह क्या ये घोंगे हैं? और बदबूदार चीज, मैं इसे नहीं खा सकती। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये सैंडविच ज्यादा पसंद है, ये कितना बड़ा और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब ये तीसरा सैंडविच बचा हुआ है, चख कर देखती हूँ। ओ वाह, और मुझे वास्तव में ये सैंडविच पसंद है। केवल दर्शक ही विजेता चुन सकता है। इंकी बिंकी पोंकी, दादी बधाई हो, आपका सैंडविच जीत रहा है। और मैंने तुमसे कहा था नए राउंड में आपको मेरे लिए मेरा फेवरेट सीजर सलाद तैयार करना होगा। ओह यह हो जाएगा। यह क्या है? मुझे यह बहुत आसान लगता है। जरा सोचो, हमें बस सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटना है। मिया शांत हो जाओ, तुम्हें सब्जियों को बहुत सावधानी से काटने की जरूरत है। देखो अब ध्यान से यह सब एक प्लेट पर रखा जाना चाहिए और बेशक चिकन के साथ इस तरह से। हाँ वास्तव में सब कुछ बहुत अधिक जटिल है। हमें अरुगुला लेना होगा और इसे ब्लेंडर में डालना होगा, फिर इसमें पानी डालना होगा और सब कुछ अच्छी तरह से पीस देना है इस तरह से। आखिर वह कर क्या रहा है? मैं कुछ बहुत स्वादिष्ट बना रहा हूँ। तैयार लिक्विड में हमें जिलेटिन जैसा कुछ डालना होगा, जिसके बाद इसे सॉस पैन में डालना है और इसे हिलाना है। फिर इस लिक्विड को मोल्ड में डालना होगा। अब यह चिकन काटने का समय है। यह कितना सुंदर निकला। वाह बहुत बढ़िया,
मुझे लगता है मार्गो को मेरा दृष्टिकोण पसंद आएगा। दादी आप क्या कर रही हैं? मैं केवल चीज ग्रेट कर रही हूँ। अब यह समय है मेरे खाना बनाने का। बस सावधान रहो। बिल्कुल सही। ठीक है मैं इसे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। वास्तव में यह बहुत बोरिंग है, फिर भी इसे तेजी से काटना होगा। हाँ तुम बच्चों को कुछ भी सिखाना बहुत कठिन है। ओह नहीं यह मैंने क्या किया है, यह अच्छा नहीं है। यह अच्छा है कि मेरे पास बैकअप प्लान है। हमें एक हबा बाबा गम लेने और इसे छोटे टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। अब मुझे गमी आइस की जरूरत होगी। दादी क्या आपको यह अच्छा लग रहा है? कितना भयानक है, अपनी दादी को इस तरह मत डराओ। मार्शमेलो निश्चित रूप से मीठे सलाद में जाएंगे। और गमी वर्म्स के बिना कैसा मीठा सलाद। अब समय आ गया है कि तुम तय करो कि आज कौन जीतेगा। ठीक है पर ये किस तरह की हरी कैंडी है, चखकर देखती हूँ। क्या ये घास के बने हैं? छी कितना घिनौना। ओह यहाँ सामान्य सीजर अच्छा लग रहा है। हाँ इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वाह लेकिन सबसे खूबसूरत सलाद मेरे लिए आगे इंतजार कर रहा है। ओह वाह मुझे ये पसंद आ रहा है और सबसे स्वादिष्ट है। मिया तुम जीत गई हो। ये मुझे पता था कि मेरी मीठी सीजर सबसे अच्छी है। इस बार यह आसान है, मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। क्या तुम्हें फ्राइड एग चाहिए? तो फिर तुम्हें फ्राइड एग मिलेंगे। मैं बस इसे बनाना सीखूंगी। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले फ्राइंग पैन में कुछ तेल लेना होगा। दादी मुझे भी चाहिए यह। अरे यह क्यों नहीं निकल रहा है? चलो निकलो भी। ओ, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ इतने तेल में तो अंडे भी नहीं तोड़ सकते। वैसे यह मेरा अगला कदम है। इसे क्यों नहीं तोड़ सकते, मैं इसे आराम से तोड़ लूंगी। देखिए ताड़ाम, लगभग वैसा जैसा चाहिए। लेकिन मैं सामान्य फ्राइड एग की तुलना में कुछ अधिक दिलचस्प बनाऊंगा। ऐसा करने के लिए मुझे गाढ़ी क्रीम को एक गहरे फ्राइंग पैन में डालना होगा और फिर उनमें ऑरेंज जेस्ट को ग्रेट करके डालना होगा। अब हमें इसमें थोड़ा एगर एगर डालना होगा बस। और यह सब अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। जब तक यह लिक्विड 70 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता तब तक आग पर छोड़ दे। हाँ यही हमें जरूरत थी। अब हम फ्राइड एग बना सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम एक पैन में प्रोटीन डाल सकते हैं और जर्दी के रूप में मैं एक कैंड पिक्च का उपयोग करूंगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मिया, ऐसे मुंह खोलकर बैठना शोभा नहीं देता। ओह वह आग कैसी है? ओ नहीं यह कितना भयानक है, मैं अपने अंडे के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। उफ, यह तो बहुत बेकार लग रहा है। हाँ मेरे फ्राइड एग की बात ही कुछ और है और वह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मार्गो यह विजेता चुनने का समय है। हाँ क्यों नहीं। दादी आपके फ्राइड एग बहुत अच्छे हैं। What? और यह किस तरह का ओवर कुक कोयला है? नहीं मैं इस डिश को ट्राई नहीं करने जा रही हूँ। लेकिन तीसरा डिश बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और यह स्वादिष्ट है, मैंने पहले कभी मीठे फ्राइड एग का स्वाद नहीं चखा है। शेफ माइक आपकी जीत पर बधाई हो, यह आसान था। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डोनट बनाए। यह एकदम आसान है। ठीक है मैं कर दूंगी। मुझे डोनट्स बहुत पसंद है पर मैं उन्हें बनाना भी नहीं जानती। इस डो के साथ इसे शुरू करना चाहिए। मैं इसमें से सही आकार काट लूंगा और इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करूंगा। ओह कितना मुश्किल है यह। ओह लगता है यह विशेष नए सांचे है। कितना अच्छा मिया सावधान। और यह रहा,
खैर अब तेल गर्म करने का समय है और तैयार डोनट्स को इसमें डाल सकते हैं। और क्या? हाँ, मुझे बस इसमें एक छेद बनाना है इस तरह से। वे मुझे जलाना चाहते हैं, बचाओ! अरे हाथ हटाओ। मिया तुम क्या कर रही हो? मैं खुद नहीं जानती, तेल से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेकाबू हो गया है, जल्दी स्टोव बंद करना होगा। ओह, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हाँ, तुम्हें हमेशा बहुत सावधान रहना होगा। हाँ जाहिर है, मैं अकेला हूँ जो यहाँ खाना बनाना जानता हूँ। खैर मेरे डोनट्स लगभग तैयार हैं। अब केवल सबसे स्वादिष्ट चीजें डालना ही बचा है, इसकी फिलिंग और ग्लेज। इस तरह से यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। ऐसा करने के लिए डोनट्स को आधा काट ले और सिरप डाले, और फिर हम डोनट को कटे हुए हिस्से से ढक देते हैं और इसे ग्लेज में डुबो देते हैं। यदि अगर इस डोनट्स पर थोड़े कैंडी छिड़कते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। दिल एकदम सही है। मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। लेकिन अंदर की फीलिंग और आइसिंग बहुत मीठी हो जाएगी। डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बेहतर होगा। कितना सुंदर लग रहा है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये मार्गो के लिए है। मेरे पास एक आइडिया है कि ऐसे डोनट्स को कैसे बनाएंगे कि मार्गो निश्चित रूप से उन्हें तुमसे अधिक पसंद करेगी। इसके लिए सभी मोल्ड्स पर पिघला हुआ चीज फैलाना होगा और फिर चीटों को अच्छी तरह से तोड़ लेते हैं। ओह, वह क्या करने वाली है। तैयार सब है। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। और फिर इसमें हमारे तैयार चीज डोनट को रोल करना होगा इस तरह से। फिर इसे फॉइल में लपेट कर फ्राइंग पैन में डालना होगा। वाह, खैर मेरे सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार डोनट तैयार है। मार्गो, यह विनर चुनने का समय है। ओह वाह, कितना सुंदर है और स्वादिष्ट भी। शेफ, आपने एक अविश्वसनीय रूप से मीठा और रंगीन डोनट तैयार किया है। दादी, मुझे आपके शुगर पाउडर डोनट्स बहुत पसंद है। और यह क्या है? अच्छा लग रहा है। ओह, कितना बेकार, ये तीखा है। नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शेफ, आप इस बार फिर से जीते। मैंने बहुत कोशिश की थी, धन्यवाद। दोस्तों, खाना खाना बंद करो, तुम्हें इसे कुछ बनाना है। चलो जाने कि बेबी मार्गो क्या चाहती है। वाव, उसे आइसक्रीम चाहिए। आसान लगता है। क्या हर कोई दुनिया के सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाने के लिए तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना चाहती हूँ। क्या यह सच में इतना बड़ा है? एमा, क्या तुम्हें यह चाहिए? लो, अब मैं ताज़ा स्ट्रॉबेरी काट लूँगी। आज सुबह ही मैंने इसे अपने बगीचे से तोड़ा है। फिर सब कुछ फ्राइंग पैन में डाल देंगे, चीनी डालेंगे और इसे थोड़ा गर्म करेंगे। अरे एमा, तुम अपनी उंगलियां कहाँ ला रही हो? बस इतना ही, देखो क्या खुशबू है। मैं स्ट्रॉबेरी जैम बनाने में मास्टर हूँ। यह अच्छे से पक गया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए बर्तन में निकाल लेते हैं और अब हमें इसमें थोड़ा दूध मिलाना है। बिना दूध के कैसा आइसक्रीम? बढ़िया, चलो अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अब केवल इसे मोल्ड में डालना और ठंडा करना ही बचा हुआ है। चलो सब कुछ फ्रिज में डालें और थोड़ा इंतजार करें। मेरा हो गया। अच्छा है। तो यह क्या है? कुछ हरा? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओह, यह क्या है? खाना कौन फेंक रहा है? दादी, यह आपका है? मेरा नहीं, शायद एमा ने इसे गिरा दिया। क्या, यह बेकार पत्ते फिर से मेरे पास आ गए। ये सभी सामग्रियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वाह, इसकी तो मुझे जरूरत होगी। न्यूटेला, मुझे यह बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट है। यह भी। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं फ्राइड आइसक्रीम बनाऊंगी। क्या आप जानते हैं क्या है? अब मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी। इसे लिख लो। हमें फ्राइड आइसक्रीम के लिए एक विशेष फ्राइंग पैन की जरूरत है। हम मिनी ओरियो और सभी अन्य सामग्री को इसमें डाल देते हैं।
अब हमें मिठास के लिए पाउडर चीनी छिड़कना होगा। हम तेज ब्लेड के साथ सभी चीजों को अच्छे से मिलाते हैं। दूध को क्रम में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। बढ़िया, हम इसे एक सुंदर प्लेट में डालते हैं और इसे स्ट्रॉबेरी से सजाते हैं। लेकिन यह इतना ही नहीं है, चलो अब एक शॉक इफेक्ट जोड़े, ड्राई आइस। हम एक ट्रे से इसे ढक देंगे ताकि धुआं कहीं न जाए। यहाँ एक रहस्यमय असर होगा। शेफ ने वास्तव में काफी मेहनत की है, लेकिन मेरी आइसक्रीम कहाँ है? ओ हाँ, मैंने उसे फ्रीजर में रखा था। वाह, ये अच्छे से जम गई है। वैसे मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था। तो चलो अब इसे अच्छे से सर्व करने की तैयारी करते हैं। एक शेफ की तरह काम करना तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं साधारण दादी हूँ और इसे कटोरी में रख देती हूँ। मैं क्या करूँ, न्यूटेला खाने में इतनी खो गई थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे जल्दी करना होगा। मैं बचे हुए न्यूटेला में दूध डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिला देती हूँ। और इसे फ्रिज करने की जरूरत है। मैं ढक्कन बंद करती हूँ और इसे ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। मार्गो, क्या तुम्हें आइसक्रीम अभी चाहिए? ठीक है, जबकि हर कोई तैयार है, हम जल्दी चखने जा रहे हैं। वाओ, कितने कूल आइसक्रीम है। और पारदर्शी ढक्कन के नीचे क्या छिपा है? वाओ, जादू। कितना प्यारा आइसक्रीम, मुझे जल्दी से खाना है। वाह, यह ओरियो के साथ है और स्वादिष्ट है। और मेरे लिए आगे क्या है? न्यूटेला आइसक्रीम। ओह, क्या यह सिर्फ न्यूटेला दूध है? नहीं, मैं इसे ट्राई नहीं करूंगी। और यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो अब इसे एक चम्मच से खाकर देखती हूँ। यहाँ यह पत्ता क्या कर रहा है? यह एकदम बेकार है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। और यहाँ एक स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है। और मैं शेफ को आइसक्रीम का विनर बनाती हूँ। हुर्रे, मुझे तुम्हें प्यार करने दो, मैं जीत गई। वाओ दोस्तों, अब मार्गो आगे बताएगी कि उसे क्या खाना है। तुम्हें क्या चाहिए? वाओ, पैनकेक्स, बहुत बढ़िया पसंद। अगर आपको पैनकेक पसंद है तो इसे लाइक करें। लेकिन एमा को कुछ समस्याएं हैं। शेफ और दादी पूरी तरह से तैयार हैं। चलो काम शुरू करें। मैं मिनी पैनकेक फ्लेक्स बनाने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम्हें मेरे प्यारे मिनी केक्स कैसे लग रहे हैं? सुंदर ना? अरे दादी, ये अच्छा है कि आप इसे ना छुए। शेफ तो बहुत अच्छी पैनकेक्स बना रही है, फिर मैं क्या करूँ? मेरे पास सबसे अच्छे दोस्त आर्ची की तस्वीर है, उसकी तरह मैं एक आर्ट पैनकेक बनाऊंगी। काले बैटर के साथ मेरे प्यारे पालतू जानवर की आउटलाइन तैयार करने की जरूरत है। अब आगे उसके फर को सफेद और काले रंग से भरती हूँ। यह एक डालमेशियन है, इसलिए यह रंग मजेदार है। अब हम कुछ डिटेल्स जोड़ते हैं और इसे पलट देते हैं। अरे, ये काम किया। एमा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। यह किस जरूरी नहीं था। तैयार बैटर दिलचस्प है, लेकिन मैं कुछ और हेल्दी बनाना चाहती हूँ। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि दादी अपने लिए बैटर नहीं तैयार कर पाएगी? एक सेकेंड, और तुम देखना, जुकीनी और गाजर को कद्दूकस कर ले। अब आगे हम आटे को कटोरे में रख देते हैं, एक अंडा तोड़ते हैं और फिर दूध डालते हैं। ये नेचुरल रंग है। बस अब इसे एक फ्राइंग पैन में पकाना ही बचा है। हमारे पैनकेक अब बन रहे हैं। हाँ, तैयार। एमा, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? वाह, यह कितना भयानक है। वाह, मुझे लगता है मार्गो को दादी के हेल्दी पैनकेक्स पसंद आएंगे। थोड़ा योगर्ट और थोड़ा सा हर्ब्स। तैयार। शेफ, तुम्हारा क्या कहना है? इसे मेरे इतने करीब मत लाओ। मैं आपको असली कूल पैनकेक्स दिखाने जा रही हूँ। हम एक कप प्लेट में अपने मिनी पैनकेक्स लेते हैं। क्या आपने देखा, ये पूरी तरह से मेरे पैनकेक्स के आकार में फिट बैठता है। अब हमें कुछ रास्पबेरी जैम डालना होगा। जैम के बिना कैसा कोई पैनकेक्स खा पाएगा? हो गया। और अंतिम चरण, मिनी पैनकेक्स पे दूध डालना है। मैं जीनियस हूँ। अब केवल इसे सर्व करना है और जीतना है। बेबी मार्गो बहुत भूखी है। ये पैनकेक्स अजीब लग रहे हैं। इसकी महक बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसका स्वाद कैसा है? यह बेकार है। और यहाँ क्या है? वाह, फ्लेक्स के रूप में पैनकेक्स। चक्कर देखती हूँ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना प्यारा सा कुत्ता है। चलो इसे ट्राई करें।
वाओ, कितना स्वादिष्ट है। मैं सब खाना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन को जीत देती हूँ। पैनकेक स्वादिष्ट है। हुर्रे, मैं जीत गई। मैं कूल हूँ। एमा, बस करो, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल का इंतजार कर रही हूँ। कोई समस्या नहीं है। यह एकदम आसान है। चलो, इसके लिए मुझे आइसक्रीम की जरूरत है। अब चलो एक स्वादिष्ट ट्रीट बनाते हैं। मार्गो को ये जरूर पसंद आएगा। अब इसे ब्लेंडर में डाल देते हैं। फिर हमें दूध डालना होगा। और क्या डाल सकते हैं? ओ हाँ, पफ कैंडी। निश्चित रूप से शानदार होगा। जितना मीठा उतना स्वादिष्ट। और अब ब्लेंडर चालू करें। ओ नहीं, एमा, हमें ढक्कन बंद करना होगा। जल्दी ब्लेंडर बंद करो। एमा, चलो। ओ, माफ करना दादी, लेकिन कॉकटेल तैयार है। और मुझे एक मीठा सिरप जोड़ना होगा। गम फ्लेवर्ड सिरप कभी भी बुरा नहीं होगा। और सबके ऊपर क्रीम और मीठी कैंडी नट। कूल, मैं यह कॉकटेल में डाल देती हूँ। और अब बारी है एक स्ट्रॉ की। तैयार। आपको यह कैसा लग रहा है? क्या यह मार्गो की तस्वीर की तरह लग रहा है? थैंक यू। बहुत अच्छा, अब मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। मैं चॉकलेट आइसक्रीम लूंगी। मैं इसे कटोरे में डाल देती हूँ और फिर दूध डालूंगी। और मैं थोड़ा कुछ खा लेती हूँ। ओह, हमें कटोरे में एक केला या इसका कुछ हिस्सा डालने की जरूरत है। बढ़िया। और अब इसे मिलाएं। और अब इसे एक बेस्ट मग में डालते हैं। अब चलो शेफ को बेवकूफ बनाएंगे। लाइट किसने बंद की? डाली, क्या आपने ऐसा किया? ओह, वह सो रही है। चलो कॉकटेल बनाएं, शुरू करते हैं। मुझे आइसक्रीम की एक बॉल चाहिए। हम इसे एक ग्लास में रखते हैं। फिर ताजा दूध का एक अच्छा हिस्सा डालेंगे और सब कुछ को अच्छे से मिलाएंगे। एक कंटेनर तैयार करें। अनानास, अनानास में सब कुछ डालना है। और ऊपर से एक बाउंटी बार रगड़ें। नारियल के छोटे टुकड़े शानदार होंगे। हम कॉकटेल अम्ब्रेला और चॉकलेट के साथ सब कुछ सजाते हैं। और एक स्ट्रॉ डालते हैं। कॉकटेल का एक मास्टरपीस तैयार है। चलो अब इसे जल्दी चक्कर बताओ। वाओ, अनानास में एक कूल कॉकटेल। बढ़िया है। ये स्वादिष्ट भी है। बहुत अच्छा। और यह क्या है? दादी, यह हमेशा की तरह स्वादिष्ट है। वाह, यम्मी। और यहाँ कुछ दिलचस्प है। वाह, कितना मीठा। मुझे वास्तव में यह कॉकटेल पसंद है। ड्रम रोल, और जीत होती है शेफ के कॉकटेल की। यह स्वादिष्ट है। हुर्रे, जीत फिर से मेरी।